जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। देश दुनिया और राजनीति जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल सफर आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की इस खास खबर की ओर। हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में दिल्ली की सरदार नगर कॉलोनी में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, हिंदू जागरण मंच मुखर्जी नगर जिले के संयोजक प्रेम अग्रवाल द्वारा विगत कई वर्षों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर पारिवारिक रूप से भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और इस बार भी उन्होंने मूर्ति पूजा के उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रेम अग्रवाल व उनके पारिवारिक सदस्यों के अलावा अनेकों परिवार उपस्थित रहे जिनमें समस्त अग्रवाल परिवार, नारंग परिवार, गुप्ता परिवार, भानुशाली परिवार, भगत परिवार, सूरी परिवार, जैन परिवार, मग्गू परिवार आदि का भगवान गणेश की पूजा अर्चना, आरती व शोभा यात्रा के दौरान भरपूर आपसी सहयोग देखने को मिला। अन्य जानकारी देते हुए प्रेम अग्रवाल ने बताया कि हमारे निवास के प्रांगण में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई थी और पूजा अर्चना आरती के बाद गणेश चतुर्थी पर हमने विधि पूर्वक शोभा यात्रा निकाली और सभी परिवारों ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों को घरों में और सार्वजनिक रूप से स्थापना कर पूजा की जाती है और यह पूजा 10 दिनों तक चलती है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि यह मिठाई गणेश जी को बहुत पसंद है। अनुष्ठानों में वैदिक भजनों और प्रार्थना और जाप किया जाता है, साथ ही लोग व्रत भी रखते हैं। त्योहार शुरू होने के 10वें दिन मूर्ति को संगीत और जाप के साथ एक सार्वजनिक शोभा यात्रा निकालकर पास के पानी जैसे नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का यह त्योहार हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आता है जिसे लोग बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं।